कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए छठ पर्व को घरों में ही रहकर मनाने की पहल नवीन उत्तर भारतीय बिहार कल्याण महासंघ छठ समिति ग्वारीघाट ने की है। इस संबंध में मंगलवार को एसपी कार्यालय में पत्र सौंपकर वादा किया गया कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में सहयोग करेंगे। चर्चा की गई, अधिकारियों ने संक्रमण से बचाव की आवश्यकता को देखते हुए नदी एवं तालाब के तट पर भीड़ न लगाने की अपील की है। समिति के सदस्यों ने बताया कि 20 और 21 नवंबर को छठ पूजन होना है और इस बार नदी एवं तालाब के घाटों पर किसी भी प्रकार का अनुष्ठान और आयोजन नहीं किया जाएगा। समिति ने भी कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए उत्तरी भारतीयों से छठ पूजन अपने अपने घरों में रहकर करने और घाट एवं तालाब से दूरी बनाए रखने को कहा है। आगामी आने वाले पावन पर्व हमारा छठ बहुत ही जबलपुर में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और बहुत ही बृहद मनाया जाता है हर साल। पर इस साल जो कोविड-19 के चलते कोरोना के कारण सभी लोगों में एक भय या सुरक्षा की भावना को लेकर कहीं कन्फ्यूजन था। पर माननीय हम लोगों ने उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ के सभी पदाधिकारियों ने आज माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय और माननीय नगर निगम कमिश्नर जी से मिलकर अपनी बातों को रखा और निवेदन किया कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना के नियमों के तहत हम लोगों को अनुमति दी जाए या हम लोगों को सजग किया जाए कि कम से कम जहाँ जैसे पूरा परिवार छठ मनाने जाता था, इस बार दो ही लोग जाएँ। ऐसा प्रशासन ने हम लोगों को कमिटमेंट लिया है, तो हम लोगों ने भी आप लोगों के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया इस बार अगर हम इस पर्व को लिमिटेशन में सुरक्षा के साथ अपने घर के अंदर या घाट पे भी एक या दो लोग जाकर मनाएं, तो हम इस पर्व को आनंद लेंगे और इस शहर के लिए एक नया मैसेज, शहर को एक सुरक्षा और कोविड से लड़ने की ताकत देंगे।